जरा तन्हाई फिर एक साल गुजर गया। तो सुन मेरी खामोशी फिर एक नगमा सिहर गया। तू देख जरा तन्हाई फिर एक साल गुजर गया। तू सुन मेरी खामोशी फिर एक नगमा सिहर गया। खुशी से न खुश न गमगी गमों से न इसका पता न उसकी खबर पहलू में बैठी है खामोशियां। दोस्तों थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट लास्ट ईयर। आप लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया और हमने मिलके काफ़ी काफ़ी कुछ अचीव भी किया है लास्ट ईयर। और आओ कि नया साल भी हमारे लिए बहुत रॉकिंग हो, बहुत ऑसम। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो एक आप कह सकते हो थ्योरेटिकल या एक बेसिक प्रिंसिपल्स का वीडियो है, क्योंकि इस एक साल की या कहें इन कुछ सालों की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है थ्रू द रिसर्च आई हैव डन, थ्रू द बुक्स आई हैव रेड और जो लेजेंड्स हैं इस फिटनेस इंडस्ट्री के उनसे। तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग का वीडियो नहीं है, लेकिन आपके जनरल या आपके डेली गोल्स या आपके जो लाइफ के गोल्स हैं उनमें भी ये हमेशा आपकी हेल्प करेगा। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ वो 10 पॉइंट्स जो मैं जनरली अपने स्टूडेंट के साथ भी कवर करता हूँ। और जो रेफरेंसेस यहाँ पे मैंने लिए हैं जो तीन मेन बुक्स या तीन मेन कोचेस के लिए हैं वो है, पहले टिम फेरिस, इनकी बुक है 4 आवर्स बॉडी, और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बुक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग, और फ्रैंक ज़ेन की कुछ मैंने बुक्स रेफर करी थी। और उनका क्रक्स यहाँ पे जो निकल के आया था, उनमें जो मेन पॉइंट्स कहे गए थे बार बार, उन पॉइंट्स को ही मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और ये सारे जो बुक्स या रेफरेंसेस हैं ये मैं वीडियो में आपको दिखाता रहूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है जिसे मैं कहता हूँ नॉलेज एक्शन गैप। सो इसमें क्या होता है कि हम जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हम उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, हम पहला कदम नहीं उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फिटनेस की, तो हमें पता है कि अगर हम कार्ब्स कम खाएंगे या फैट कम खाएंगे तो हमारा वेट या हमारा फैट कम होना शुरू हो जाएगा। हम गूगल करेंगे तो हमें दुनिया भर की डाइट्स, दुनिया भर के प्लान्स गूगल में एक क्लिक में मिल जाएंगे, लेकिन हम एक्शन नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं कि वो एक दिन आएगा जब हम ये स्टार्ट करेंगे, या नया साल कह लो या मेरा बर्थडे कह लो या कोई भी परफेक्ट स्टेट कि मैं अच्छे जिम में जाऊंगा या मैं प्रोटीन खरीदने वाला हूं उसके बाद शुरू करूंगा। तो वेट नहीं करना है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको उस परफेक्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करना है, अपना एक्शन स्टार्ट कर देना है, चाहे वो छोटा सा एक्शन क्यों ना हो। आप उसे स्टार्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट एक्शन के लिए, नेक्स्ट एक्शन आइटम के लिए जानकारी मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी। दूसरा स्टेप है स्मॉल स्टेप्स लो। सो इसका मतलब यह है कि आप अपने स्मॉल स्टेप्स लेते रहो और आपका जो एक टॉप जो आप सोचते हो कि आपको ये करना है उसको रोज रोज मत देखो। सपोज करो आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो अगर आप उसके टॉप को बार बार देखते रहोगे तो शायद आप वो नेक्स्ट स्टेप ना ले पाओ, आप डर जाओ। तो इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लो और आगे बढ़ते। अब यहां मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट से संबंधित। सो एक कहानी है जिसमें एक डोंकी होता है, उस डोंकी के सामने एक बहुत 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 ही पॉपुलर एक कहावत है बाहर के देशों की। तो इस कहावत में क्या होता है कि एक डोंकी है, उसके सामने एक तरफ सेम डिस्टेंस में पानी रखा हुआ है और सेम डिस्टेंस में उसके सामने चारा रखा हुआ है, हे रखा हुआ है, और वो ये सोचता रह जाता है कि मैं पहले पानी पीऊं या फिर पहले मैं वो हे खाऊं। और इसी कश्मकश में वो डोंकी एक दिन मर जाता है। तो ये मरने वाली बात कुछ ज्यादा हो गई, लेकिन ये उस कहावत के अनुसार है। और यहाँ पे एग्जाम्पल मैं इसलिए कोट करना चाहा क्योंकि हम भी क्या करते हैं, हम कई सारे छोटे छोटे चीज़ें, कई सारे छोटे छोटे जो सपने होते हैं अपने सामने रख लेते हैं और हम सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इसको भी कर लूँ, और अगर ये हो जाता तो कैसा होता। तो इस चीज़ में हम एक भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप अपना पहला एक्शन लो और बाकी के एक्शन अपने आप हो जाएंगे, और जिस एक्शन को आप लेते हो उस पर टिके रहो। अगर आपने सोचा है कि आपको 3 महीने तक
स्लो कार्ब या कीटो डाइट करनी है तो आप उस चीज पे टिके रहो। ये नहीं कि आपने एक महीने तक उसे किया फिर सोचा अरे यार तो काम ही नहीं कर रही है, अब मैं कुछ और कर लेता हूँ, अब मैं इस वीडियो को देख लेता हूँ, अब मैं इस YouTube चैनल को रेफर करता हूँ, ये आर्टिकल पढ़ लेता हूँ। तो एक जो आप चीज करते हो स्टार्ट उस पर टिके रहो और उस जर्नी को कंटिन्यू रखो। पॉइंट ये है और जो कि एक प्रैक्टिकल पॉइंट है कि आप जो भी करते हो उसे रिकॉर्ड करो। तो रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है जिसे कहते हैं हम जर्नलिंग। तो इसमें क्या होता है कि आप अपना जो आप डेली करते हो उसको आप रिकॉर्ड करते हो, लिखते हो, और ये लिखते हो आप पेन पेपर से जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बनी रहे, छपी रहे। और जब आप कई सालों बाद वापस मुड़ के देखो तो आपको पता रहेगा कि मैंने इतने सालों पहले ये कर रहा था और मैं उसमें सक्सेसफुल भी रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आज डे वन है तो आप नोट करते हो कि मैंने दिन भर क्या खाया, मैंने क्या किया, मैंने कौन सी एक्सरसाइज करी, मैं कितने बजे उठा, तो ये सब चीजें आप नोट कर सकते हो, राइट। और इसी तरीके से आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हो। आप हर 15-20 डेज में अपनी पिक्चर लेके, अगर आप फिटनेस गोल की हम बात करें तो हर 15-20 डेज में अपनी पिक्चर लेके आप देख सकते हो कि आपने पहले से कितना इंप्रूव किया। पर यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको बार बार ऐसे डेली बेसिस पे अपना वेट या अपनी पिक्चर्स नहीं लेनी है, उससे आपको कुछ खास जानकारी नहीं मिलेगी। सो लिखना आपको डेली है और पिक्चर्स हर 15-20 दिन के अंदर लेनी। फिफ्थ पॉइंट ये है कि मॉर्निंग टाइम सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। आप चाहे तो 5 AM क्लब सर्च कर सकते हैं गूगल के अंदर। तो जो लोग सुबह उठते हैं, एक रिसर्च करी गई, उसमें पाया गया कि ज़्यादातर सक्सेसफुल पीपल, ज़्यादातर जो लोग अपने अपने कामों की टॉप हाइट में हैं, बेस्ट कर रहे हैं अपने अपने कामों के अंदर, उनको सुबह उठने की हैबिट होती है। तो सुबह का टाइम क्या होता है, बहुत ही हाई एनर्जी टाइम होता है, आपका बेस्ट टाइम होता है वो। आप थक के जब सोते हैं तो आप सुबह पूरी आपकी बॉडी और माइंड रिफ्रेश हो चुका होता है। तो इस टाइम को अपने लिए रखिए, यानी कि इस टाइम को आप जो अपना बेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए वो करिए। अब एक टिप मैं जो देना चाहूँगा वो है HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में। और ये मैंने काफ़ी टाइम से इस चीज़ को रिसर्च करी और इस चीज़ को देखा है कि HIIT से रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। यानी कि अगर आपको फैट लॉस करना हो या आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, वेट लॉस करना हो, तो HIIT में आप कुछ 5-7 मिनट बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करते हैं, फिर आप ब्रेक लेते हैं और फिर आप नेक्स्ट अगेन 5-10 मिनट्स वेरी इंटेंस वर्कआउट करते हैं, चाहे वो रनिंग हो गया चाहे वो कार्डियो हो गया। बट इसमें एक बात पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला ये है कि जब आप अगर आप रनिंग ये कर रहे हैं या कार्डियो कर रहे हैं तो 25 मिनट से ज़्यादा आप ना करें एक सेशन में, क्योंकि उससे दो नुकसान आपको हो सकते हैं। एक तो आपकी मसल्स भी डैमेज हो सकती हैं, दूसरा आपकी जो नीज होती हैं, आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर भी वो इफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है। स्पेशली गर्ल्स वुमेन, अगर आप 25 मिनट से ज़्यादा एक सेशन में कार्डियो करते हैं, रनिंग करते हैं, क्रॉसफिट करते हैं, तो आपको उससे आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। 8th पॉइंट है फोकस ऑन योर ब्रीथिंग टेक्निक्स। यानी जब आप सांस लेते हैं अपने वर्कआउट के दौरान तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही वो प्रक्रिया है, वही वो प्रोसेस है जो आपके फैट को बर्न कर रही है। आप 3 सेकेंड इनहेल करिए, 7 सेकेंड एक्सहेल करिए, जो कि एक काफ़ी पुरानी टेक्निक है। और देखिए क्या होता है कि जब फैट होता है बॉडी के अंदर, उसे बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। आप कोई भी चीज़ जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, चाहे वो कागज़ का टुकड़ा हो, उसके ऊपर आप एक ग्लास रख देंगे तो वो जलेगा नहीं, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई है। वैसे ही फैट को भी बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। और इसीलिए जब आप योगा भी करते हैं तो आपका फैट बर्न होता है, उसमें तो आप कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ब्रेथिंग टेक्निक होती है, सांस लेने की प्रक्रिया योगा के अंदर होती है, उसकी वजह से आप मोटे नहीं होते या मोटे से पतले होना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जब आप वर्कआउट करते हैं तो कभी भी सांस नहीं रोकनी है। कई लोग सांस रोक के वर्कआउट करते हैं अपना और जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसा कभी नहीं करना। चाहे आप कार्डियो कर रहे हो, चाहे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको स्लोली सांस लेनी है, और जैसे मैंने बताया 3 सेकंड 7 सेकंड वाला फंडा अपना सकते हैं। एक और पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, वो है अपने ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए। सपोज करिए आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, ट्रांसफॉर्मेशन के, बॉडी फिटनेस के, और आपने अपने ब्लड टेस्ट नहीं कराए। फॉर एग्जाम्पल आपको थायराइड है और आप ट्राई करे जा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, पर्सनल ट्रेनर ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके वेट में और फैट में कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है। इसका कारण यह है कि थायराइड की वजह से, क्योंकि आपने उसकी दवाइयां या उसकी मेडिसिन नहीं ली हैं, तो आपको वो आपकी गोल्स अचीव करने में हमेशा परेशान करता रहेगा। तो जैसे आपके थायराइड हो गए, आपका एस्ट्रोजन हो गया, आपके टेस्टोस्टेरोन हो गए, लिवर, किडनी फंक्शन, ये 6 महीने में एक बार जरूर इसके टेस्ट करवाइए। और अगर आप कोई
स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, 3 महीने का ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो बिफोर आपको प्रोग्राम शुरू करने के और आफ्टर प्रोग्राम ये सारे के सारे टेस्ट जरूर करवाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मेरा 10th पॉइंट है, ये स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए है और यहाँ मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा अपने अपने एरा की सुपर मॉडल सुपर ब्यूटीफुल गर्ल मैरिलिन मुनरो की। और ये पॉइंट है कि वेट ट्रेनिंग से लड़कियां मस्कुलर नहीं होती हैं। रीजन ये है कि टेस्टोस्टेरोन लड़कियों में कम होता है, तो जब वो वेट ट्रेनिंग करेंगी तो फैट बर्न होगा, ना कि वो मस्कुलर होंगी। तो जो ये मिसकंसेप्शन है वेट ट्रेनिंग का, इससे आप बचें और वेट ट्रेनिंग पर लड़कियां भी प्लीज फोकस करें। लड़कों के लिए तो है ही है, वेट ट्रेनिंग इज यू नो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द फिटनेस वर्ल्ड, सो उसके साथ स्टिक रहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप ये 10 पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। और ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन अगर अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में, अपने अपने करियर में, अपने जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और ये जो म्यूजिक आपने शुरू में सुना, आप अगर म्यूजिक को पसंद करा आपने तो इस YouTube चैनल को भी अमेया को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये अभिषेक का चैनल है और ये मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं और बहुत ही अच्छा म्यूजिक देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और शेयर करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इस कम्युनिटी को जितना बड़ा बना सकते हैं बढ़ाने में हमारी मदद करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दोबारा।